जहानाबाद की पुलिस ने तीन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए तीन शातिर चोर। चोरी का कई मोबाइल फोन सहित एक बोलेरो गाड़ी भी हुआ जब्त। जहानाबाद के हुलासगंज थाना अंतर्गत खुदौरी गांव से करीब 50 गांजा का पेड़ हुआ जब्त। एक को किया गया गिरफ्तार। डीएसपी एमएस वकील ने दी जानकारी। जहानाबाद के एसएन कॉलेज में महिला एवं पोषण पर आईसीडीएस की भूमिका पर एक दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। डीएम मोहम्मद सुहेल ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। मानस इंटरनेशनल फाउंडेशन जहानाबाद के सभी शाखाओं में ग्रेडिंग आधारित तृतीय फॉर्मेटिव परिणाम के मौके पर शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का हुआ आयोजन। चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा, रोजी रोटी के लिए 8 घंटे तो बेटी बेटी के लिए निकालना होगा 2 घंटे। और जहानाबाद के मनोरंजन भवन ठाकुरवारी में पेंशनर समाज द्वारा आयोजित किया गया पेंशनर दिवस समारोह। कई बुजुर्गों के साथ अपने माता पिता के सेवा के लिए सम्मानित किए गए शिव कुमार। जहानाबाद पुलिस को उस समय कामयाबी हाथ लगी जब नगर थाने की पुलिस और महिला थाने की पुलिस रात्रि गश्ती में थे। बीते रात कुछ अनजान लोग ऊंटा मोहल्ला के समीप एक किराना दुकान का ताला तोड़ रहा था। उसी समय महिला थाने की पुलिस ने रंगे हाथ तीन लोगों को पकड़ लिया और मिल गया जहानाबाद की पुलिस को एक बड़ी सफलता, क्योंकि ये तीनों शातिर किराना दुकान के ताला तोड़ने से पूर्व पटना के एक मोबाइल दुकान में अपना हाथ साफ कर चुका था। तीन लोग रंजीत कुमार जो कि ऊंटा मोहल्ला का ही रहने वाला है, रविंद्र कुमार जो करपी का रहने वाला है और एक रामेश्वर प्रसाद जो अपने आप को बोलेरो गाड़ी का मालिक बताता है। तीनों से पूछताछ के दौरान पता चला कि ये तीनों लोग पटना से मोबाइल दुकान में चोरी कर जहानाबाद बोलेरो गाड़ी से लौट रहे थे। उस गाड़ी पर SBI का बोर्ड लगा हुआ था और गाड़ी का नंबर BR02U9666 है। पटना से जहानाबाद आने के बाद ये लोग ऊंटा के समीप एक किराना दुकान का ताला तोड़ने लगे। उसी समय ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पटना मोबाइल दुकान से चुराए गए सामान में 5 मोबाइल फोन, 8 चार्जर, 6 ईयरफोन, विभिन्न कंपनी के कई सिम कार्ड, कई कार्ड रीडर, कई चिप्स, 3 बड़ी बड़ी छेनी और एक बड़ा सा रड कटर बरामद किए गए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जहानाबाद डीएसपी एमएस वकील ने बताया कि ये चोरों का एक अंतर जिला गिरोह है और मुख्य सरगना फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। चंदन मिश्रा आजकल के लिए। ये जो तीन अपराधी हैं ऊंटा मदारपुर के पास से दुकान में चोरी करने के लिए ये प्रयास कर रहे थे, उसी समय ये गिरफ्तार किए गए हैं गश्ती दल के द्वारा। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनके पास से चोरी की गई लगभग 9 मोबाइल, जिसमें कुछ पुराना और नया मोबाइल भी शामिल है, 16 सिम, 12 चार्जर, उसके अलावा जो शटर या ताला काटने का कटर, सुरसा, छेनी इत्यादि मिला है। और ये जो अपराधी थे ये सभी एक बोलेरो से थे, जो बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है पुलिस के द्वारा। और बोलेरो गाड़ी के आगे वाले पोर्शन पर SBI लिखा हुआ है, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कि चोर की गाड़ी में ये बैंक का लगा के चल रहे हैं ताकि कोई शक न करे। इसमें तीन अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एक जो सरगना बताया जा रहा है जी, वो भागने में सफल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। ये चोरी की गई है जैसा कि उन लोगों ने अभी कन्फेशन दिया है, वैसे कन्फेशन का काम अभी चल रहा है, प्रक्रिया अधीन है। तो इन लोगों का कहना है कि ये पटना से ये चोरी की गई है और यहाँ जहानाबाद में वो चोरी का प्रयास ही कर रहा था कि संजोग से गश्ती दल के द्वारा जो है सो पकड़ा गया। अंतर जिला गेंगे बिल्कुल अंतर जिला गेंगे। हाँ, ये तो कई घटनाओं में यहाँ भी चोरी की घटनाओं में ये शामिल हैं जिसका वो कन्फेस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये चोर शातिर चोर है। जहानाबाद के हुलासगंज थाना अंतर्गत खुदौरी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। खुदौरी गांव के 3 घरों में गांजा का करीब 50 पेड़ बरामद किया गया। पुलिस तो कुछ देर के लिए दंग रह गई ये देखकर कि गांजा का इतना पेड़ लगा है और इतने दिनों तक प्रशासन को जानकारी नहीं हुई। वो तो गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी हुई और तीन लोगों, नवल सिंह, मधेश्वर सिंह और जनार्दन सिंह के घर में छापेमारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति मधेश्वर शर्मा को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी एमएस वकील ने बताया कि ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि पहले से भी यहां गांजे की खेती की जाती थी। जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई होगी। चंदन मिश्रा आजकल के लिए। हुलासगंज थाने के खुदौड़ी गांव से क्या सूचना था?
सूचना थी, गुप्त सूचना थी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आर्थिक अपराधिकारी के कुछ पदाधिकारी और लोकल थाना के पदाधिकारी और एक्साइज विभाग के पदाधिकारी और पुलिसकर्मी थे। और वहाँ जब छापामारी की गई तो तीन व्यक्तियों के, दो के आंगन और एक के खलियान से गांजा का पेड़ बरामद हुआ है, जिसे जब्त किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। हाँ, ये नियम तो कानूनन तो अपराध है, कानूनन अपराध है, गांजा की खेती नहीं करना है, नारकोटिक्स से और NDPS एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई होती है, कार्रवाई की गई है और मामले की विधिवत जाँच चल रही है। महिला विकास निगम समाज कल्याण विभाग बिहार द्वारा जहानाबाद एसएन कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय था महिला एवं पोषण, ICDS की भूमिका। सेमिनार का उद्घाटन किया जहानाबाद के जिलाधिकारी मोहम्मद सुहेल ने। इस अवसर पर एसएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, परियोजना निदेशक के साथ साथ कॉलेज के तमाम शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद थे। इस सेमिनार में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि महिलाओं को कुपोषण से कैसे बचाया जाए। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। स्कूल में हमेशा शिक्षकों और अभिभावकों की मुलाकातें जरूरी है। ऐसा होने से बच्चों के बारे में शिक्षकों को और अभिभावकों को भी वो सब बातों की जानकारी मिलती है जो अति आवश्यक है। बच्चों को जब शिक्षक और अभिभावक दोनों समझ लेते हैं कि कहाँ कमी है, तो उस कमी को आसानी से दूर किया जाता है और बच्चों में गुणात्मक विकास होता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर मानस इंटरनेशनल स्कूल में रिजल्ट डे के अवसर पर शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में अभिभावकों का आना हुआ। महिला पुरुष अभिभावक अपने बच्चों का रिजल्ट देखने और शिक्षकों से मिलने पहुंचे। रिजल्ट देखकर ज्यादातर अभिभावक गदगद दिखे, कुछ अभिभावक थोड़ा निराश भी हुए, तो शिक्षकों ने उन्हें बताया कि कहां कमी है, उसे कैसे दूर करना है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों में अमृता कुमारी, जिसने 99.9%, अंकित कुमार 99.8%, हिमांशु कुमार, तनु कुमारी, आदित्य रंजन सहित कई छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए मानस इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि मानस इंटरनेशनल शिक्षा के क्षेत्र में यूं ही आगे नहीं है, यहां बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी प्रेरित करने के लिए हमेशा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि मानस इंटरनेशनल के बच्चे जिले प्रदेश में ही नहीं देश और दुनिया में अपना और विद्यालय का नाम रोशन करें। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। शिक्षा के साथ साथ परीक्षा की भी अलग महत्व है, और चूँकि CBSE स्कूल है और CBSE में CC के तहत 4 फॉर्मेटिव और 2 सबमेटिव होते हैं 12 महीने, उसी के तहत हम लोग आज 3rd फॉर्मेटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और चूँकि होता क्या है कि बच्चे भी हमारे संपर्क में होते हैं और गार्डियन भी हमारे संपर्क में आ जाते हैं, जब तक हमारे अभिभावक संवेदनशील नहीं बनेंगे, चेतनशील नहीं बनेंगे, तब तक बच्चों में निखार नहीं आएगा। अन्य जो स्कूल हैं केवल बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन यह अकेला स्कूल है जो अभिभावक को इस तरह के लगातार बैठक कर करके उनको हम चेतनशील बनाते हैं और उनको इस बात का आगाह कराते हैं कि बच्चा आपके घर का पूंजी है, और अगर आप बढ़िया स्कूल में अगर डाल देते हैं और आपका नज़र ध्यान कम जाएगा तो आपका बच्चा अच्छा नहीं करेगा। अगर बच्चा को अच्छा कराना है और बेहतर भविष्य बनाना है घर का, तो आपको स्कूल में आना होगा, हमारे टीचर से मिलना होगा, हमसे मिलना होगा। जहानाबाद के मनोरंजन भवन ठाकुरवारी में पेंशनर समाज जिला शाखा जहानाबाद का पेंशनर दिवस समारोह संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता परशुराम शर्मा ने की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार राज्य पेंशनर समाज के सचिव श्याम नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अपने माता पिता की सेवा के लिए धनगांवा के शिव कुमार को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दो महिलाओं उरेहन देवी, मनोरमा कुमारी को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में पेंशनर समाज के लोग जुटे थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज हम यहाँ पर नौजवान जो है शिव कुमार, धनगांवा का रहने वाला, माँ को प्रेम पर होता है, उसका अभिनंदन किए हैं
उसको साव दिए हैं, माला दिए हैं, हमारे लिए प्रशस्ति पत्र दिए हैं, पहचान चिन्ह दिए हैं, स्मृति चिन्ह सदन पुरस्कार को, और 80 वर्ष ऊपर वाले 10 साथी को अभिनंदन दिए हैं, जो पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, एक सामाजिक चेतना का द्योतक है। उन्होंने अगर पेंशन नहीं मिलता तो लोग मर जाते, पेंशन साल में जो बढ़ता है, अब पुराना पेंशन योजना है कि हमको।